अभिषेक और आज हम बात करेंगे लेनोवो P2 के बारे में जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है और ये डिवाइस हमारे पास आ गया है। इसका क्विक रिव्यू टेस्टिंग हमने कर ली है तो इस वीडियो में आप करेंगे इसका क्विक रिव्यू और साथ ही साथ करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे इसके पैकेज में क्या क्या आता है और साथ ही साथ बताएंगे आपको इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जैसे कि कैमरा, बिल्ड क्वालिटी, गेमिंग और बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में भी। अगेन ये फुल रिव्यू नहीं है लेकिन ये क्विक रिव्यू है, इसके अंदर कुछ चीजें हम इंपॉर्टेंट आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं। जैसे ही बॉक्स को आप खोल देंगे ये है इसका आउटर कवर और कुछ इस तरह का ये बॉक्स दिखता है। अगर आप बॉक्स को खोलेंगे तो पहली चीज आपको जो मिलेगी वो मिलेगा डिवाइस और डिवाइस के अंदर है बैटरी। ये एक नॉन रिमूवेबल बैटरी है और बड़ी बैटरी इस फोन में मिलती है आपको, उसके बारे में बात बताएंगे। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। यहां पे ये चार्जर दिया गया है जो कि एक फास्ट चार्जर है और इससे आप आराम से फोन को जो है फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जल्दी चार्ज हो जाता है, आधा घंटे के अंदर काफी कुछ बैटरी जो है आपको मिल जाती है। अगर हम बात करें सिम इंजेक्शन टूल की तो कुछ इस तरह की मेटल सिम इंजेक्शन टूल इसमें मिलता है जो कि बढ़िया है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। और यहाँ पे आपको बाकी चीजें जो मिलती हैं वो दिखा देते हैं। यहाँ पे मिलती है आपको एक माइक्रो यूएसबी केबल डेटा सिंकिंग और चार्जिंग के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे मिलते हैं कुछ हेडफोन्स जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड बेसिक क्वालिटी के हैं। तो हेडफोन की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल प्लास्टिक के ये हेडफोन बने हुए हैं और कुछ भी खास बिल्ड क्वालिटी में देखने को नहीं मिल रहा है, बिल्कुल बेसिक से मिल रहे हैं। इससे बढ़िया तो आप थर्ड पार्टी हेडफोन्स अलग से इस फोन के लिए खरीद लीजिए। इस फोन की प्राइस के बारे में बताएं तो ये तकरीबन 16,999 का मिलेगा अगर आप लेंगे 32GB स्टोरेज वर्जन जिसमें मिलेगी आपको 3GB की रैम। और अगर आप 1,000 रुपए ज्यादा खर्च करते हैं तो आपको 4GB रैम वेरियंट इस फोन का मिल जाएगा जिसमें मिलेगी आपको 32GB की स्टोरेज और वो मिलेगा आपको 17,999 यानी कि 1,000 रुपए महंगा अप्रॉक्सीमेटली। तो शुरुआत करते हैं इस फोन के रिव्यू का और सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। तो डिजाइन में आप देख सकते हैं कि एक मेटल फोन है, पीछे की तरफ आपको यहाँ पे मेटल का बैक कवर मिलता है, ऊपर की तरफ यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक दिया गया है, नीचे की तरफ प्लास्टिक दिया गया है ताकि सिग्नल वगैरह जो है आराम से इसमें रिसीव कर पाए। फ्रंट में मिलता है आपको 5.5 इंच का फुल HD डिस्प्ले। ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसके व्यूइंग एंगल्स काफी बढ़िया है, आप अलग अलग एंगल से इसको देख सकते हैं। आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो बढ़िया डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे आपको, कम ब्राइटनेस से भी आप बाहर अगर धूप में इसे यूज करेंगे तो आप इस डिस्प्ले को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करें कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे टॉप में मिलता है आपको 3.5 मॉडी जैक और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एंटीना बैंड्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे मिलता है आपको सेकेंडरी माइक्रोफोन। अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको 2 बटन मिलते हैं, दोनों ही बटन मेटलिक बटन हैं और इनसे अच्छा फीडबैक आपको मिल जाता है, आप आराम से इनको फील कर सकते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको सिम ट्रे जो कि एक हाइब्रिड सिम ट्रे है और यहाँ पे मिलता है आपको एक बटन जिसके थ्रू आप इस फोन को अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में स्विच कर सकते हैं ताकि इसकी बैटरी आप और भी ज्यादा लंबे समय तक यूज कर पाए अगर आपके फोन में बैटरी कम है। बैटरी की बात करें तो तकरीबन 5100mAh की बड़ी बैटरी इस फोन में मिलती है जिससे आप आराम से इस फोन को 2 दिन तो मजे से यूज कर सकते हैं। अगर आप हैवी यूजर हैं तो उस केस में भी 1 दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप ये फोन आपको दे देगा जो कि बहुत अच्छी बात है। और बड़ी बैटरी होने की वजह से ही थोड़ा सा भारी ये फोन हाथ में लगता है, तकरीबन 177 ग्राम का ये फोन है। हालांकि थिकनेस में इतना ज्यादा नहीं है, इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद इस फोन की थिकनेस है 8.3 mm जो कि बिल्कुल बढ़िया है। और वेट का अगर आपको लगता है कि 177 ग्राम ज्यादा है तो आप यूज्ड हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूं। अगर हम बात करें मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट की तो इसमें आपको अच्छा मल्टीमीडिया और एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस मिल जाता है। लाउड स्पीकर काफी लाउड है, यहां पे बॉटम पे मिलते हैं आपको 2 mesh जिसमें से एक लाउड स्पीकर है और दूसरा माइक है। अगेन लाउड स्पीकर का ऑडियो बहुत बढ़िया है और लाउडनेस भी ज्यादा है कंपेयर टू अदर फोन जो हमने देखे हैं तकरीबन इसी प्राइस सेगमेंट में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का फिक्स फोकस फ्रंट कैमरा, पीछे की तरफ मिलता है आपको 13 MP का ऑटो फोकस कैमरा और ये कैमरा के साथ आपको डुअल टोन LED फ्लैश भी मिलती है। और यहाँ पे मिलता है आपको NFC की ब्रांडिंग यानी कि इस फोन में NFC भी दिया गया है। अगर हम फ्रंट बॉटम की बात करें तो फ्रंट बॉटम में यहाँ पे मिलते हैं आपको टच कैपेसिटिव बटन्स, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक फिजिकल बटन भी दिया गया है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है तो फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 625 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हार्डवेयर है, अच्छा हार्डवेयर है, इससे आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। ये एक कॉर्टेक्स A53 बेस्ड CPU है और डे टू डे यूसेज में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी गेमिंग वगैरह में, अनलेस कि आप बहुत ही ज्यादा हैवी गेमिंग करते हैं आपको इस फोन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हमने इसमें हैवी गेम भी चला के देखे हैं और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है। मल्टीमीडिया की बात करें तो फोन में आपको एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी मिलेगा, अगर आप मूवीज वगैरह देखेंगे तो डिस्प्ले के कलर्स और भी अच्छे वाइब्रेंट है और मूवीज अच्छी दिखेंगी। और साथ ही साथ अगर हम स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर भी इस फोन का अच्छा खासा लाउड है अगर आप बाकी और फोन से कंपेयर करें जो कि इतनी प्राइस रेंज में आते हैं।
और चीज के बारे में बात करें तो इस फोन के अंदर आपको डुअल सिम कनेक्टिविटी मिलती है जो कि हाइब्रिड सिम ट्रे है जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। 32 GB की स्टोरेज मिल जाती है जिसमें तकरीबन 24 GB आपको फ्री मिल जाता है। इसके अलावा 3 GB रैम वाला वेरियंट भी आराम से आप यूज कर सकते हैं, डे टू डे यूसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप पावर यूजर हैं तो आप 4 GB रैम वर्जन वाला जो इसका फोन है वो आप ले सकते हैं, उसके लिए आपको 1000 रुपए ज्यादा देने होंगे। और चीजों की बात करें तो इस फोन के अंदर कुछ प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देते हैं। सबसे बड़ा जो प्रो है इस फोन का वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है और साथ ही साथ डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन भी दिया गया है, तो अगर ये फोन गिर जाएगा तो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। साथ ही साथ इस फोन के अंदर आपको जो कनेक्टिविटी मिलती है वो माइक्रो यूएसबी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, वो भी एक प्रो है इस फोन का। इसके अलावा इसमें आपको अच्छा हार्डवेयर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 625 है, बड़ी बैटरी मिलती है। अब हम बात करते हैं इस फोन के कुछ कॉम्प्रोमाइजेस के ऊपर, और कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे है कैमरा के मामले में। तो कैमरा की अगर हम फोटोज की बात करें तो कैमरा में जो भी फोटो आप लेंगे वो थोड़ी सी क्रॉप्ड आएंगी फोटोज, और साथ ही साथ कैमरा की क्लैरिटी जो है लो लाइट में या आर्च लाइट में इतनी अच्छी नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हालांकि डिसेंट है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कैमरा जो है इतना अच्छा फोन में नहीं देखने को मिल रहा है। डे लाइट में अच्छी फोटोज आप ले सकते हैं अच्छे कलर्स के साथ, अच्छे क्रिस्पनेस के साथ, लेकिन अगर आप लो लाइट या फिर आर्च लाइट में फोटो लेंगे तो पहली बात तो डिवाइस को आपको काफी स्टेबल रखना होगा, हिलना नहीं चाहिए, अदरवाइज फोटो ब्लर आ सकती हैं। और इसके अलावा अगर हम फोटोज की बात करें तो फोटोज थोड़ी सी क्रॉप्ड आ रही हैं और इतनी अच्छी क्लैरिटी उन फोटोज में देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज फोन एक पावर यूजर के लिए जो कि गेमिंग करना चाहते हैं, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उनके लिए बढ़िया फोन है। लेकिन अगर आप कैमरा की एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा रखते हैं तो इस फोन में आपको उतने अच्छे कैमरा नहीं मिलते हैं इस प्राइस के हिसाब से जितनी प्राइस पे ये आ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें इस फोन की बताने की कोशिश की है। अगर आपको इस डिवाइस के बारे में और जानना है और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो जो वीडियोस आप इस फोन के बारे में देखना चाहते हैं उनके बारे में वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और लोगों को हेल्प हो सकती है इससे। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।